300 तो तीन जगह थे ता मत नहीं हो ना मेरे को क्लिनिक आना पड़ रहा है, मेरे को ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गया, फिर नाइट में फिर बुखार आ रहा है और बॉडी पेन हो रहा है, लाल हो रहा है। लेट्स सी, यहाँ पे पूछते हैं क्या हो गया। अभी इसको चेक करेगा डॉक्टर, को वेट कर रहा है। इतना डर लगता है मैंने इंजेक्शन मार लिया और बहुत दर्द, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन मारने में, सीरियसली बोल रहा हूँ। इसलिए भाई टाइम पे दवाई वो खाया करो, अभी बुखार आ रहा है मेरे को, चलो अभी घर जाके रेस्ट करते हैं, अभी ठीक हो जाएगा, इंजेक्शन डाला ना। चलो ऑलराइट दोस्तों, सो अभी मैंने इंजेक्शन लाया हूँ भाई, मैं ही बोल रहा हूँ इंजेक्शन डाल दो करके, क्योंकि ना भाई अगर मैं बुखार ही रहूँगा ना तो ड्यूटी भी गैप हो जाएगा और मुझे घूमने भी नहीं मिलेगा, तो अभी इंजेक्शन डाला हो और दवाई दिया है 3 दिन का, तो चलो कोई गल नहीं, होना ही था तो हो ही गया, तो अभी देखते हैं दवाई वही खा के। तो कोई भी हो परदेश में भाई केयरफुली रहना, ये तो यही बोलता हूँ, मेरे पास तो बीबी है, मेरा बीबी केयर करता है, अभी यहाँ से वो क्या कहलेगा। घर पहुंच चुका हूँ दोस्तों और मेरा ना यहाँ पे बम में दर्द कर रहा है इंजेक्शन का, और दवाई दिया है यहाँ पे, और ये दवाई 3 दिन का ना बेबी, ये देख सकते हो 3 दिन का दवाई दिया है मेरे को और ये 3 दिन का ही दिया है और इंजेक्शन डाल के आया, ये 3 दिन का दवाई है गाइस, अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ तो मेरे को फिर एडमिट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करके एडमिट वगैरह करना पड़ेगा। तो चलो अभी मेरा सभी दोस्तों नीचे सूर्यदा के घर में उन लोग को प्रैंक करेंगे, ठीक है, बार प्रैंक करेंगे गाइस, वैसे बीमारी तो हुई मालूम है उन लोगों को, तो अभी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा करके मेरा बेबी उन लोग को बोलता है, ठीक है, तो उन लोग का रिएक्शन कैसा रहता है। ऑलराइट, सो अभी फ़ोन कर रहे हैं, भाई फ़ोन करो ना, फ़ोन करो तो मेरे नाम के नंबर से इसको साइड में रखेंगे, कॉफ का सिर रख, ठीक है, तो भी फ़ोन करो ना जीरो, घोप्टेर बस्छु नि, गाडी आएको पनि थाहा पाइहाल्छ नि, अन्त डरै चाहिँ थुन ल, नारदको फोन गराए भाइ कहाँ छ हौ, ए यहाँ सुन न, भएको थियो त क्लिनिक देखाएर आएको थियो नि त कि अभिलाई, त्यो त झन् साह्रो भयो हो, अन्त त्यहाँ मैले डक्टरलाई फोन गरेको थिएँ एडमिट गर्नु भन्दैछ कि, आइदिन्छौ, अँ त्यही त अब लैजाउँ भनेको, अँ रुममै छु, विकास दादाहरू पनि छ, उसलाई पनि लिएर आऊ न ल, छिटो आऊ ल भाइ। तो बोला है उसको बुलाने लेक सी गए, इसका कितने बजे आता है क्या आता है, अभी होगा प्रैंक भाई, तो मैं यहाँ पे सोऊंगा, ठीक है। देखो भाई साहब, ये इतना बीमार हुआ है फिर भी इसको अभी तक प्रैंक ही चल रहा है ना तुम्हारा, इसको इधर अभी इंजेक्शन डाल के आया है, क्या करे, और हम लोग का कैमरा उधर पे छुप, हस्पिटल जाने
इन्जेक्सन हालेन दबाई थियो फेरि होइन उयो इन्जेक्सन हालेको भए त बरु त्यहाँ उयो नजाँदा पनि हुन्थ्यो नि पहिला दबाई खाँदै भने नि त दबाईले खाऊ भने त्यहाँदेखि उयो त भएन चाहिँ फेरि ब्लड टेस्ट गर्नुपर्छ भन्यो हो अन्त अहिले आएको झन् साह्रो हुने हिँड भनेको मैले उठ त टोपी सपी लगाऊ हिँड के यसरी बसेर थोरै हुन्छ यहीँ छेउमै हो त्यो अस्ति मोरा बहिनी पसेन त्यहाँ पनि छ एउटा एडमिट गर्दा पनि हुन्छ त्यहाँ पनि छेउमै लगाउँ किन टाढो ल बेबी हिँड न के भएको साथी यसरी केयरलेस गरेर थोरै हुन्छ उठा जाउँ पछाडि बस्नु थियो म लगिहाल्छु हिँड त हिँड न त्यो डक्टर राम्रो छ क्या राम्रो चेकअप गर्छ ठिकै थियो चिया सिया खाएर गएको त्यो अघि दिउँछु हावामा हिँडे नि त फेरि जाउँ लैजाउँ ल हामी हो उठा जाउँ बानेर लिएर जानु क्या तिमीलाई पक्क पारेर ब्ल्याङ्केट लिइन न के भएको देख यसरी अङ्गारासँग भनेर हुन्छ क्या अन्त यस्तो पसिना पसिना भइसक्यो ल हिँड हिँड त चिसो हो बिबी हिँड ल के उयो छैन रुमाल के गर्नु रुमाल के गर्नु अलिक कम्ती जानुपर्छ साथी बरु बिमारी अलिक कम्ती भयो भने बरु यस्तो उस्तो जाँदिनँ हिँड्न के भएको साह्रो राति झन् साह्रो पऱ्यो के गर्नु जाने एडमिट गर्यो भने फेरि बस्नुपर्छ मान्छे बस्नुपर्छ को बस्ने अन्त फेरि दिन्छ मलाई बस्नु ड्युटी होला ओ साथी यस्तो फर्केर सुधा त यस्तो अरे एकछिनमै जान्छ हो तिमी मास्कले मा नाटकवाला बाज नाटक बाज रहेछ युट्युबमा देखाइदिउँ क्या यो भिडियो दिएको गाइस भने अरे के भएको लु छिटो यहाँ आउँदा निधार ल्याउँदा यहाँ न जाती हुन्छ के गरेको छौ कहिले यस्तो छोड त जाडो जाडो हुन्छ अलिक एकछिन 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 यस्तो फर्क न यसो सुता त तेर्सो परेर लुगा ओडा न त हो अन्त यसो सुता नभएर यस्तै सुत न नो प्रब्लम एकछिनमा मजा आउँछ अहिले मुजुरको पङ्ख छ त अन्त यहाँ हो र ए निकाल्नु के गर्नु त्यो चाहिँ निकाल्नु न जलाएर सुँगु के हुन्छ त्यसले सुँगाएर त्यो उयो गरेपछि त्यो उयो जाती हुन्छ त ज्वरो
सुमेरमा झन् ढल्दैन मान्छे तर उठेर एकछिन चाहिँ सुन्नुपर्छ हो त्यहाँबाट चाहिँ नर्साएछ हौ तिमीले स्याटो दिउँसो त तिमीसँगै थियो त मैले दाजु त तिमीसँगै छोडेर गएको होइन It's a prank, bro. फाइनली यो प्रैंक हो गया है देखो इसने क्या क्या कर रहा था दोस्त को इतना बुखार आ गया बोल के ये खाना बना रहा था खाना साना बनाते बनाते छोड़ के आ गया दोस्त के लिए ऐसा होता है ना दोस्त तुम खाली प्रैंक करते रहते हो इतना बीमार में भी गोप्रो का स्टिक से मार के बीमार भगा देना रे बीमार तो होना भाई बट उतना ज्यादा नहीं है सब ये क्या है क्या कर क्या करेगा इसको अभी मैं इसको जादू टोना कर रहा है अभी इसका जादू टोना करने से इसका सब बीमार गायब हो जाएगा ये मेरा मम्मी का टेक्निक है जो मुझे बचपन में थोड़ा थोड़ा सिखाया है वो देख देख के याद हो गया है आज इसका मम्मी में हो गया बोलो ना आज इसका मम्मी में हो गया और वो मेरा बच्चा मुझे प्रैंक कर रहा है गाइस मुझे बहुत दुख लग रहा है कि ऐसा हालत में ये मेरा सब प्रैंक कर रहा है चलो अभी देखेंगे हाँ क्या करना मेरो त बात मान्नै पर्छ तिमी कम अब कोइला निप्छ अहिले छिटो चल्छ यहाँ चलेको चलेको भाइ ए भन्दा प्राङ्क हो है और बुखार त है मुझे खाने लग रहे इतना ज्यादा नहीं है बटुका खाने पानी सुन त
कोइला निभ्यो हुन्छ आँखा बन्द गरे पियो भाइ कसले पिने सक्दा है देख रहा है तो गाइज अभी प्रैंक हो गया 10 लोग ठीक है और मुझे ना ज़्यादा ही बुखार है नहीं तो थोड़ा बड़ा तो मैं यू नो ऐसे ही पचा देता हूँ ऐसे ही खा लेता हूँ ठीक है बट आज जो था बहुत ही खतरनाक ही बुखार था मैं ऐसे ही क्लिनिक चलो नहीं बोलता मेरे वाइफ को अगर छोटा मोटा होता तो ठीक है मॉर्निंग ना मेरे को लाइक बॉडी पेन हो रहा था और खांसी हो रहा था बुखार उतना ज़्यादा नहीं था तो दवाई खा के सो गया मैं ना रात के घर में खाना वाना खा के दवाई खा के उधर ही सो गया मैं वीडियो भी बनाया एक ठीक है एंड उसके बाद उठ के पूरा फ्रेश हो गया मैं दवा दवाई खा के मैं सो गया था और फ्रेश हो गया 3-4 बजे और हम लोग को कुछ काम की वजह से बाहर जाना था मैं और बिकेश को और बिकेश आया 5 बजे ठीक है उस टाइम तक मैं ठीक था उसके बाद हम लोग एक चक्कर मारा वाइट फील्ड तो आते आते भाई मेरे को ना फिर से बुखार आने लगा ठंड लगने लगा उसके बाद वाइफ को लेने गया फिर भी मेरे को बुखार ठंड उसके बाद ज़्यादा हो गया उसके बाद मैं चलो भाई क्लिनिक चलते करके क्लिनिक चला गया गाइस और इंजेक्शन किया मुझे बहुत डर लगता है आई होप कि आप लोगों को ये प्रैंक मज़ा आया होगा गाइस तो कमेंट जरूर कर देना लाइक जरूर कर देना ठीक है आई डोंट नो मैं कब ठीक हो जाऊँगा यस मैं बुखार है मेरे अंदर ये पूरा है ना पूरा गर्म होके रखा है हाँ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।